चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में हो रही लापरवाही की। पूरे देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ती जा रही है। कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे और ऐसे में सवाल उठते हैं कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद भी हम इतने लापरवाह क्यों बने हुए हैं और आखिर गाइडलाइंस की सख्ती से पालना क्यों नहीं की जा रही। बढ़ते मामलों के बाद भी हम मास्क को लेकर इतने लापरवाह क्यों हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जो जहन में उठते हैं और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनकी राय को जाना। सबसे पहले जैसलमेर में इंडिया न्यूज के सहयोगी रजत कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने लोगों से खास बातचीत की, लोगों का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। प्रदेश और जिले में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जहां रोजाना कोरोना के ग्राफ में तेजी देखने को आ रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार जिले में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज कोरोना का जो संक्रमण है वो क्यों फैल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, लोग जो है मास्क लगाने से इतने बेपरवाह क्यों नजर आ रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ जो है जैसे में के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो मास्क लगाते हुए बेपरवाह नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क लगाते हुए बेपरवाह नज़र इसलिए आ रहे हैं लोग क्योंकि बीच में पहली लहर आने के बाद में थोड़ी सी ढिलाई दे दी प्रशासन ने, इसलिए लोगों ने मास्क निकाल दिए। अब वापस प्रशासन ने सख्ती कही है, इसलिए लोग बेपरवाह हो गए हैं और उस ढिलाई के कारण लोगों ने मास्क लगाने बंद कर दिए हैं। अगर प्रशासन थोड़ा सा प्रभाव उसी समय रखता, थोड़ा उसी समय जोर रखता मास्क लगाने पर, तो अभी तक मास्क लोगों के लगे हुए रहते और इस लहर का प्रभाव कम होता। बिल्कुल, प्रशासन जो है ऐसा कहा जा रहा है कि सख्ती नहीं बरतता है, उसी के कारण जो है लोगों ने मास्क लगाने को लेकर जो है लापरवाही बरती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी जो है होती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए हम पूछते हैं वकील साहब से, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस को लेकर लोग क्या है जैसे पास में खड़े रहते हैं, लेकिन वो किसी कारण वो सब एक दूसरे के अटैच में हो जाते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए क्योंकि 15-16 दिन तक है, तो उसमें जब तक हम स्पेसिफिक रूप से अगर इसको कंट्रोल करने के लिए यही है होम क्वारंटाइन, जो मतलब हल्का भी अगर किसको जुकाम बुखार है तो वो घर में रहे। दूसरा इसमें मास्क का है, जो ये क्या ये वायरल हवा में हो रहा है, तो आज सरकार और प्रशासन डॉक्टर सब मास्क का इसलिए कह रहे हैं कि मास्क बहुत आवश्यक रूप से है। दुकानदार वगैरह ठेले वाले सब रोजी रोटी के लिए बेचारे आ तो रहे हैं, लेकिन वो दुकानें सब बंद करके उसके आगे खड़े हैं, तो फिर चीज़ निकाल के दे रहे, इससे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इन्होंने कहा कि होनी चाहिए और लोगों को जो है अगर थोड़ा भी खांसी जुकाम है तो उनको जाकर होम क्वारंटाइन होना चाहिए। कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लगातार, आप क्या कहेंगे? जैसलमेर में भी जो है पिछले 3 दिनों में 200 केसेज आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है, ये जो पहली वेव थी उसके बाद में जो सेकेंड वेव आई है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं, थोड़ा प्रशासन ने भी उनको उस तरह की रियायतें दी जिस कारण लोग लापरवाह हो गए हैं। और कोरोना जो आज इस समय में जैसलमेर वासियों का ये सोचना है कि वो सबसे सेफेस्ट पैलेस में है क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाका है, लोगों से ज़्यादा आवागमन में है नहीं। लोगों की ये धारणा है कि हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन उनकी ये धारणा गलत है। कोरोना अपना महाविकराल रूप धारण कर चुका है, हवा में उसका संक्रमण फैल रहा है। लोगों को चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहने और सामाजिक जो दूरियां हैं वो बनाए, वो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए और जिले के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है नागरिक हैं उनका ये कहना है कि जो मास्क है उसको लेकर जो है लापरवाही नहीं बरती जाए। कोरोना का जो संक्रमण है वो अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बढ़कर जो है वो फर्मोस्टेट होता जा रहा है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे तक पहुँच रहा है। मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अति आवश्यक है। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत कुमार। तो वहीं लूणी में इंडिया न्यूज संवाददाता ने आज इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय को जाना, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। बोलियो राजस्थान में आज हम जिस तरह लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, और राजस्थान में अब कोरोना ने एक विकराल रूप ले रखा है, उसकी वजह ही यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, क्योंकि जो अपन देख रहे हैं अभी
कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोगों के साथ बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में, उनसे हम बात करते हैं। अपने राजस्थान में और भारत के अंदर लगातार कोरोना जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, उसका जो मुख्य कारण है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंतर्गत इसको लेकर लापरवाही है। और लापरवाही होने का ये कारण है क्योंकि पहले जो कोरोना की जो पहली जो लहर थी, उस लहर के अंतर्गत लोगों के अंतर्गत जो था वो डर ज़्यादा था और खतरा कम था, लेकिन अभी जो दूसरी जो लहर है इसके अंतर्गत खतरा ज़्यादा है और लोगों के अंतर्गत डर ज़्यादा है, और इसलिए लोगों के अंदर डर कम होने की वजह से लगातार लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और ना मास्क नहीं लगाने का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल या अन्य जो 5 जो राज्य हैं वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में भी 3 जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर हर पार्टी के जो कह सकते हैं कि नेता जो है वहाँ पर रैलियाँ जो है हजारों की संख्या के अंतर्गत लोग वहाँ इकट्ठे हो रखे हैं और रैलियाँ कर रहे हैं, तो लोगों के मन में ये बात चल रही है, इसका मतलब ये चीज़ है अगर रैलियों के अंदर हजारों की संख्या में जब लोग खड़े रहते हैं तो वहाँ जब कोरोना नहीं हो रखा है तो हमारे पास में मास्क लगाने से मतलब ये सरकार सिर्फ माहौल बना रही है, कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वास्तव में कोरोना नाम की चीज़ है। लोगों के अंदर जन जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, जैसा कि इन्होंने बताया जन जागरूकता की कमी, और चुनावी रैलियों को इन्होंने बताया कि चुनाव भी रद्द होने चाहिए। आज हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। हाँ, कोरोना के बारे में मेरे को ये जहाँ तक मेरे नॉलेज में यही चीज़ें आ रही है कि जो दिनों दिन ये जो डर का माहौल है वो समाप्त हो रहा है। कुछ तो ग्रामीण परिवेशों में नासमझी के कारण भी ऐसा हो सकता है, या हमारे जो जनप्रतिनिधि है या वार्ड के प्रभुत्व लोग मिलकर ऐसा एक आंदोलन चलाएं ताकि कम से कम पूरा गांव का यदि मान लो एक व्यक्ति यदि सुधार नहीं कर सकता, मगर अपने वार्ड वाइज यदि 4-4, 5-5 लोग यदि प्रमुख लोग मिलकर ऐसा अपने वार्ड की जो सुरक्षा संबंधी जो मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ही रखना है, जो ये दुकानें या समय के अनुसार जो बंद करनी है वापस पुनः खोलनी है, तो समय का यदि ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सकता है। और जो अपना स्वार्थ भाव है उस स्वार्थ भाव को त्यागें। स्वार्थ भाव ये रहता है कि बिजनेसमैन चाहता है कि भाई मेरा आधा घंटा यदि दुकान ज़्यादा खुली रखूँगा मैं तो थोड़ा मेरे को नफा ज़्यादा मिलेगा, तो ये स्वार्थ भावना यदि राज्य सरकार के अनुसार यदि नियम तय कर दिया गया कि भाई 11 बजे अपन को दुकान बंद करनी है, चाहे ग्राहक 10 खड़े हैं तो उनको हाथ जोड़ी करके कह देना भाई आप कल आना, ठीक है, और अपना स्वार्थ त्याग कर ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि समय पर इसका उपयोग करें, और जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय का अपन का उपयोग रहेगा तो स्वतः ही जनता में थोड़ी जागरूकता आएगी कि भाई 11 बजे है तो वो कम से कम 11, 11:15 वापस सामान अपना जरूरतमंद लेकर अपना घर पहुंचने के व्यवस्था कर लेगा। जैसा कि इन्होंने बताया गाइडलाइन और जागरूकता बहुत जरूरी है, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। मेरे हिसाब से अभी कोरोना इतना बढ़ चुका है कि सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है उसका पालन ग्रामीण लोग नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव के जो मेन मुखिया हैं वो उनको कुछ ऐसा संगठन बनाए, युवाओं का संगठन बनाए जो गांव में गली में घर घर जाके कोरोना के बारे में समझाए, और अभी कुछ दिनों से हमें सुना जा रहा है कि कोरोना ने अपना रूप परिवर्तन कर दिया है और ये विकराल रूप ज़्यादातर बुजुर्ग और बच्चों को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण हमें इन युवाओं को सबसे पहले जागरूक करना होगा कि भाई जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे विवाह हो, चाहे राजनीतिक प्रोग्राम हो, तो उन कार्यक्रमों को कम से कम अपन को संख्या को कम करवाने की कोशिश की जाए। ये थे हमारे साथ लोग, इन्होंने राजस्थान में जो जिस तरह प्रकोप बढ़ रहा है कोरोना को लेकर अपनी राय दी थी। मैं कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज लोनी। अजीतगढ़ में हमारे संवाददाता कृपाल सिंह रैया ने इस पूरे मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। सरकार अब कोरोना को लेकर दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी प्रकार अब यहाँ की जनता भी गंभीरता कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रही। इन्हीं मुद्दों के साथ हमारे साथ कुछ थानाधिकारी और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कोरोना को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। कि सर कोरोना को लेकर लोग गंभीर क्यों नहीं है? ये तो जनता की लापरवाही है, इस बारे में राज्य सरकार का आदेश होगी तो कड़ाई से पालना की जाएगी और करवा रहे हैं। इस संबंध मास्क संबंधी भी अगर पालना नहीं की जाएगी तो चालान भी किए जा रहे हैं भारी मात्रा में। जी, इन्होंने बताया कि अब जो लोग मास्क लगा के नहीं घूम रहे उनके चालान भी काटे जाएंगे,
और कड़ी से पालना की जा रही है। और भी हमारे साथ पुलिस के जवान मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार कोरोना को लेकर लोग गंभीर क्यों नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। लोग नासमझी कर रहे हैं, जिसका नुकसान लोगों को खुद को है, जिसकी कड़ाई से पालना करवाने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार चालान किए जा रहे हैं और आगे भी इसकी पालना करवाने के लिए राज्य सरकार से जो गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक चालान किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके लोगों से पालना करवाई जाएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहा है उनकी कड़ी से कड़ी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी और इनको भी सतर्क आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगा के तो ही बाहर निकले। मैं कैमरामैन रवि प्रसन्न के साथ कृपाल सिंह रिया, इंडिया न्यूज। तो वहीं विराटनगर में हमारे सहयोगी रवि मित्तल ने लोगों से उनकी राय को जाना। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर सरकार क्या करे, हम यहाँ पे खड़े लोगों से जानते हैं कि एक ही कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और लोग इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं, अगर मास्क क्यों नहीं लगाते। हम यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कोरोना का समय है उसमें कोविड में थोड़ा सा मास्क और दो गज दूरी बना के रखें। सबसे पहले यही है कि अपन मास्क एक सेफ्टी के रूप में बहुत बढ़िया है, मास्क यूज वेल करना चाहिए। और सबसे पहले ये भी है कि थोड़ा सा दो गज दूरी है जो गाइडलाइन में है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ एरियों में थोड़ा सा इस गाइडलाइन का पालन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रहे, सजग रहे, ये मेरा कहना है। इनका कहना है कि मास्क बहुत ज़रूरी है और दो गज की दूरी रखोगे तब अपनी बीमारी से लड़ पाएंगे। आगे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। मेरा यही कहना है सरकार से कि एक तो जो मास्क सैनिटाइजर है इनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे ग्रामीण इलाकों में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, व्यापारी अपना व्यापार चला रहे हैं लुक छुप के और यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है, प्रशासन भी सोया हुआ है। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि प्रशासन को भी चेताए और अपना काम करे। इनका कहना है कि यहाँ पे विराटनगर में प्रशासन भी ढीला है, लोग दुकान खोल खोल के सम्मान देते हैं, अंदर ग्राहकों को घुसा लेते हैं और फिर उनको सम्मान देते हैं, 10-20 लोग अंदर चल जाते हैं पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम आगे भी जानते हैं कि इन कोरोना के बारे में क्या कहना है। मेरा यही आग्रह है कि जो भी व्यक्ति हैं वो सभी मास्क लगा करके रहें, बिना मास्क के कोई भी ना घूमें, क्योंकि यदि हम खुद लापरवाह होंगे तो ये जो COVID-19 है या कोरोना है वो सबको फैल सकता है, धीरे धीरे एक से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। और हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों वहाँ पर भीड़ भाड़ भी कुछ ज़्यादा रहती है और आजकल भी ऐसे चल रहे हैं जिनमें जैसे कि कुछ प्रोग्राम चलते हैं शादी विवाह के, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी प्रशासन थोड़ा सा सख्ताई दिखाए। मेरा यही कहना है कि सबको थोड़ा सा बराबर लेके चले और मास्क अनिवार्य रूप से पहने सभी। इनका भी कहना है कि मास्क अनिवार्य होना चाहिए और जो मास्क नहीं लगाता है उसको सरकार को उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जो प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करता है, जैसे दुकान खोलता है या ग्राहकों को कुछ देता है, तो उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कैमरामैन रामरतन के साथ रवि मित्तल, इंडिया न्यूज राजस्थान। तो हमारी टीम जहाजपुर भी पहुंची और वहां पर हमारे सहयोगी भगवत सिंह ने आज के इस खास मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। न्यूज के खास प्रोग्राम बोली राजस्थान में आज हम बात करें प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि प्रदेश में जिस हिसाब से कोरोना बढ़ता जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है। कोरोना बढ़ने का कारण पहले तो शहरी क्षेत्र में कोरोना था, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना हो गया और ग्राम के लोगों को जागरूकता नहीं होने की वजह से इसमें ज़्यादा फैल रहा है। मास्क लगाने की आदत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है और वैसे भी सबको पता है कि गांव के जो लोग होते हैं वो मिलनसार ज़्यादा होते हैं, उस वजह से कोरोना बढ़ ही रहा है। दूसरा, प्रशासन ने जो शक्ति लगा रखी है वो शक्ति भी आधी दुकानों को खोल रखा आधी को नहीं खोल रखा, जैसे किराना को खोल रखा कपड़े को नहीं खोल रखा है। तो गांव के लोगों की सोच ये होती है, शादी का सीजन चल ही रहा है तो शादी के सीजन में कपड़ा भी उतना ही महत्व रखता है जितना किराने का सामान रखता है, तो शादियों में कपड़ा लेने के लिए भी जाएंगे। अब दुकानों को जो प्रशासन बंद कराएगा तो फिर लोग चोरी छिपे खोलेंगे ही खोलेंगे और इस वजह से संक्रमण फैलने की, बाजारों में भीड़ बढ़ेगी, कुछ टाइम के लिए 2 घंटे भी अगर कोई दुकानदार खोलता है तो उस पर भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ने की वजह से फिर कोरोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए।
मास्क लगाना अनिवार्य की जा रही है। जो भी लोगों को लापरवाही कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य। क्षेत्र में लोग लापरवाही कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुछ लोग दुकानें खोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो इस समय जो महामारी चल रही है इसमें अपने को सबको अपना महत्व अपना जो दायित्व वो निभाना चाहिए। राष्ट्रहित का काम है जो महामारी है पूरे राष्ट्र के लिए, सबका भला सोचना चाहिए। और सबसे मैं एक ही अपील करूंगा कि जो अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें आगे से आगे, जैसे अभी केंद्र सरकार से आदेश आ गया है कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण होगा, उसमें अपने को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जैसा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, उसी प्रकार से 1 तारीख से उत्सव के रूप में इसको मना के टीकाकरण को संपूर्ण कराएं और राष्ट्र हित में कोरोना को बिल्कुल कम करने का प्रयास करें। मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। आप क्या कहेंगे मास्क को कोरोना जो बढ़ रहा है उसको? ये कोरोना जो बढ़ने की वजह से गाँव में कोरोना, पिछली बार जो कोरोना आया था पिछले साल वो गाँव में इतना स्पीड नहीं हुआ था, इस बार गाँव में ज्यादा स्पीड है। क्यों? कि गाँव में अब तक जागृति नहीं आई, लोग अभी तक मास्क का यूज नहीं करते, सैनिटाइजर लोग जानते भी नहीं है। हाँ सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है कि वो सबको मास्क प्रदान करे, सबको सैनिटाइज दे। लोगों के पास भी इतना फंडिंग है कि वो अपने मास्क यूज कर सके, सैनिटाइज लगा सके। लोगों को सभी को अपने मास्क, पूरी फैमिली को सबको मास्क लगा के चाहिए। हर आदमी अपनी जेब में एक सैनिटाइज की बोतल रखे, सैनिटाइज करे और जन जागृति फैलाए। कोई भी अगर शॉप खोल रहा है तो उसको बंद करें, आप शॉप नहीं खोले, दूर रखें, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तभी कोरोना से आप लड़ पाएंगे। वरना सरकार क्या करेगी? सारा काम सरकार का नहीं, हमारा खुद का भी काम है। अगर कोरोना से निजात पानी है तो खुद को जागृत होना पहले। सरकार कब तक आप पे एक्शन लेगी, कंप्लेन करेगी, आप पे पनिशमेंट करेगी, वो सरकार का काम नहीं, वो खुद का काम है हमारा। हमारे साथ मौजूद युवाओं का कहना है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही है। सभी लोग मास्क लगाए अनिवार्य रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कैमरामैन अभिषेक के साथ जाजपुर से भगवत सिंह ताक की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।